हाय देयर एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग अमेजिंग। आज की वीडियो में आप लोगों के साथ रवाजुकी की जो लिप पेंसिल्स हैं उनकी शेड्स शेयर करूंगी और इसके ऊपर हम थोड़ी सी बात करेंगे। जो मेरे फेवरेट शेड्स हैं जो मैंने बाय किए उनके ऊपर जो है वो आज डिस्कशन होगी। सो वीडियो देखना एंड तक और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। सो या लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो इस तरह से आपको जो है वो लिप पेंसिल्स नजर आएंगी, ठीक है। वाटरप्रूफ हैं, क्वालिटी भी अच्छी है, क्वांटिटी भी अच्छी है इनकी, ठीक है। अगर आप सोच रहे हो कि मैं ऑनलाइन बाय कर लूँ तो ऐसा मत करना, जाके बाय कर लो ताकि आप अपनी मर्जी के शेड पिक कर सको। लेकिन अगर शेड ऑलरेडी पता है, शेड नंबर, तो फिर आप ऑनलाइन भी इसको पिक कर सकते हो और 150 में आपको मिल जाएगी। रिवाज यूकी का जो लिंक है उनकी वेबसाइट का वो मैं नीचे ऐड कर दूंगी, वहीं से जाके लेना, या फिर daraz.pk से भी ले सकते हो। वो भी अच्छे से डील ही कर रहे हैं इनकी प्रोडक्ट्स को, ठीक है। और सबसे मजे की बात यह है कि ये वाटरप्रूफ है। अच्छा, आप 36 मंथ तक इनको यूज़ कर सकते हो। एक्सपायरी अच्छी खासी लंबी है, ठीक है। और सबसे मज़े की बात यह है कि इन्होंने अपने शेड जो हैं वो यहाँ पर लिखे हैं, जिस तरह ये लिखा हुआ है पिंकिश रेड, ठीक है। नंबर भी लिखा है और नेम भी लिखा हुआ है, सो इजी हो जाता है पिक करना, ठीक है। मैं एक एक करके आपको अप्लाई करके दिखाती हूँ। अप्लाई करने से पहले आपने लिप्स को जो है वो मॉइस्चराइज ज़रूर करना है, क्योंकि ये ड्राई होती हैं, क्योंकि जाहिर है लिप पेंसिल है तो ये ड्राई करेगी। सो मैं आपको अप्लाई करके दिखाती हूँ, साथ साथ आपको बताती जाती हूँ कि ये कौन सा शेड है। सबसे पहले कोई भी लिप बाम जो है वो लेके अप्लाई कर लें, क्योंकि लिप्स जो हैं ये आपके ड्राई कर देगा। सो आपको लिप बाम चाहिए, ठीक है। ठीक है, अब मैं अप्लाई करने जा रही हूँ क्रोम रेड 041। आप चाहो तो बाद में जो है वो लिप ग्लोज भी लगा सकते हो इनके ऊपर, इनकी सबसे अच्छी बात यही है। फिर लिखा तो ये हुआ है कि ये क्रोम रेड है 041, ठीक है, और ये थोड़ा सा ब्राउनिश शेड है। आई लव दिस वन, दिस इज सो क्यूट। मतलब ये मेरा सबसे फेवरेट शेड है। इट्स वेरी नाइस शेड, आई लव दिस वन। सो ये शेड है जो मैंने अभी अप्लाई किया 041, ये बहुत अच्छा शेड है। ओके, नेक्स्ट जो मैं अप्लाई करने लगी हूँ वो है 017 और ये है लाइट पिंक शेड 017। ये रहा, ओ माय गॉड, ये रहा लाइट पिंक शेड, जो कि क्या नंबर था इसका मैं आपको भी बताती हूँ, 017, ठीक है। ये हो गया 017 और ये बहुत ही प्यारा पिंक सा कलर है। अगर इसके ऊपर आप लिप ग्लॉस लगाएं तो वाह क्या बात है। देखा, अब मेरे लिप्स ड्राई हैं तो ये अच्छी खासी ड्राई दिख रही है। तो इसका एक ही हल है, या लिप ग्लॉस लगाओ या फिर लिप बाम, बस और कोई ऑप्शन नहीं है। अब मैं जो है वो एक लिप ग्लॉस जो है वो इसके ऊपर लगाने लगी हूं। सिर्फ शाइन वाला ये लिप ग्लॉस है, इसमें कलर नहीं है, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से शो हो जाएगा। ये रहा शेड 017। ओके, जो नेक्स्ट शेड है मेरे पास वो है 046 रोज मैटर, ठीक है। और ये किस तरह से दिखता है वो देख लेते हैं। अगेन ये एक पिंक सा शेड है और दोनों जो हैं वो आपको वीडियो में सेम लगेंगे, बट सेम नहीं है, ठीक है। जो पहले मैंने अप्लाई किया था ये वाला, ये प्योर पिंक में था, बट ये थोड़ा ऑरेंज और लाइट सा पिंक है, ये और शेड है, ठीक है। इन दोनों को मुझे कैमरे में ये दोनों सेम दिख रहे हैं, बट ये दोनों सेम नहीं है, ठीक है, इनमें थोड़ा फर्क है, ठीक है। ये है 046, इसको अप्लाई करते हैं। बहुत प्यारा शेड है 046। ओह माय गॉड, आई एम इन लव विद दिस शेड, सो क्यूट। ये सारे वो शेड्स हैं जो कि हर लड़की के पास होने चाहिए, बहुत प्यारे शेड्स हैं। ओके, लिपस्टिक जो है क्रीमी है, बट थोड़ा सा ड्राई करती है लिप्स को, इसलिए अगर तो बहुत ज़्यादा आपके ऑलरेडी लिप्स ड्राई रहते हैं इन विंटर स्पेशली, तो लिप बाम यूज़ करके आप इजीली यूज़ कर सकते हो। तो ये रहा मेरा फोर्थ शेड जो कि है 008। ये
008 है, ये पर्पलिश सा जो है वो कलर दिख रहा है, ठीक है, ये 008। तो इसको अप्लाई करते हैं। अप्लाई करने में बहुत इजी है बट थोड़ा सा वाओ OMG। ओके, ये शेड मैंने लाइफ में कभी यूज नहीं किया, दिस वन इज न्यू फॉर मी। ये है 008। लेट मी शो यू कि मुझे कितना टाइम लग रहा है इसको साफ करने में। दिस वन इज लास्ट, ठीक है, इसको अब साफ कर लेते हैं। जो लास्ट जो मेरे पास शेड है वो है 037। इट्स अ रेडिश सा शेड है ऐसा इनका कहना है। ओह माय गॉड, व्हाट इज दिस शेड, आई डोंट नो। जब मैंने बाय किए थे तो मैंने सोचा था कि मैं इस तरह के शेड लूं जिनको मैं मिक्स एंड मैच करके कुछ भी बना सकती हूं। सो ये थे मेरे सारे 5 के 5 शेड्स जो कि बहुत प्यारे हैं, बहुत अच्छे दिख रहे थे, ठीक है। और जब भी इनको बाय करो साथ इस तरह से एक शॉर्पनर जरूर बाय कर लिया करो ताकि इजी हो जाए। इसमें दो तरह सी आपको, मतलब आपके पास अगर छोटे साइज की भी पेंसिल्स हैं वो भी इसमें चल जाएंगी और ये भी चल जाएंगी इसमें आसानी के साथ, क्योंकि ये थोड़ा सा इनका ये बड़ा है तो आप जो आम शॉर्पनर होता है उसके अंदर ये बिल्कुल भी नहीं होंगी। सो ये थी मेरी आज की वीडियो, आई होप आप लोगों ने इंजॉय की होगी। सारे वो शेड जब मैंने ले रही थी तब मैंने ये सोचा था कि मैं ऐसे शेड लूँ जो मेरे पास नहीं है और इनको मिक्स एंड मैच करके मैं और शेड्स जो है वो इजीली बना सकूँ। आप इनको आउटलाइन के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं या अगर फुल एज ए लिपस्टिक यूज करना है वो भी कर सकते हो, लिप ग्लॉस बाद में ऐड कर लो जैसे मैंने ऐड किया है तो भी बहुत अच्छा लगता है, या आप इसको आउटलाइन लगा के इसकी बीच में कोई और शेड लिपस्टिक ऐड करना चाहते हो वो भी कर लो, क्योंकि लिप्स थोड़े से ड्राई होंगे, ठीक है, ज़्यादा नहीं बहुत थोड़े से, लेकिन अगर मेरी तरह लिप्स वैसे ही ड्राई हैं तो फिर ऑब्वियसली आपको यूज़ करनी पड़ेगा, लिप बाम यूज़ करना पड़ेगा या कोई लिप ग्लॉस या लिपस्टिक ताकि कंफर्टेबल वेयरिंग हो जाए लिपस्टिक्स की। ये रहे सारे शेड्स, इनकी जो नंबर्स हैं वो मैं फिर भी नीचे ऐड कर दूंगी ताकि आपको इजी हो जाए बाय करने में। तो या थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी टिल द एंड, अपना ढेर सारा ख्याल रखें, सी यू माय नेक्स्ट वीडियो, बाय।